देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग दलित बच्ची की दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने की घटना से दलित बाल्मीकि समाज में गुस्सा भरा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली में तो विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर भी अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई है। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाईटेक युग में दलितों का उत्पीड़न व शोषण चरम पर है। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली राजधानी दिल्ली की घटना इसकी साक्ष्य है। राजधानी की कैंट विधानसभा के गांव नागल में दलित बाल्मीकि समाज की एक 9 वर्षीय बेटी के घर के नजदीक शमशान के पास नल से पानी लेने गई थी, जहां पर 4 अभियुक्तों द्वारा उसे पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। संगठन इस घृणित कार्य की घोर निंदा करता है और ज्ञापन के माध्यम से चारों आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए उन्हें फांसी देने की मांग करता है। ज्ञापन देने वालों में राहुल सेवक, रोहित बाल्मीकि, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र दद्दा, राजीव भारती, संजय बाल्मीकि, राम अवतार राणा, अनिल जोनी, सिद्धांत भारती, कपिल चौधरी, निहाल, रजनीश चौधरी, धर्मेंद्र मुल्तानी, हरिओम बाल्मीकि, सोनू, संजीव आदि लोग मौजूद थे। नाम है आपका? मैं रोहित बाल्मीकि, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि युवा संघ मुरादाबाद। जोर से बोलना है। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देश की राजधानी के अंदर दलित समुदाय वाल्मीकि बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। 9 साल की बच्ची को बलात्कार करने के बाद दोषियों ने जिंदा जला दिया है। हाईटेक इंडिया बनने जा रहा है। माननीय मोदी जी हर रोज नए से नए कानून लागू कर रहे हैं कि देश के अंदर चोरी ना हो, देश के अंदर टैक्स ना कोई बचा पाए, लेकिन आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया है जिससे बेटी, बहन, बहुए सुरक्षित रह सके। आज हम लोग इस हाईटेक दुनिया के अंदर अपनी छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे संभाल के रखते हैं कि उनको कोई ना कोई कहीं भी चुरा के ले जाएगा और उनके साथ बलात्कार कर देगा। ऐसी घटनाएं पूरे देश के अंदर हिला के रखने का काम कर रही हैं। हम देश के राष्ट्रपति जी को अब उचित माध्यम माननीय DM साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं उनको फांसी की सजा मिले और एक कानून बने कि जैसे इन अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो पाए। अखबार के माध्यम से रोज सुनने को मिलता है कि 9 साल की बेटी के साथ, 7 साल के बच्चे के साथ या 10 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं। क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? हमारी मांग है कि उन चारों दोषियों को फांसी की सजा हो, उस परिवार को सहायता मिले और ऐसी कभी भी घटना ना हो, इसके लिए एक जल्द कानून बने और सख्त कदम सरकार उठाए।